हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिंग विद पूजा। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एलोवेरा जेल के बहुत ही बढ़िया से यूजेस। हाँ, मैं आप लोगों के साथ टॉप 10 यूजेस शेयर करने वाली हूँ और इनको जानने के बाद आपको मार्केट के जो केमिकल वाले और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर भी बिल्कुल डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। आप उन सभी को रिप्लेस कर सकते हैं एलोवेरा जेल का यूज करके। और मैं यहाँ पर पतंजलि एलोवेरा जेल का यूज करने वाली हूँ। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं और अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आप स्किन साइंस का एलोवेरा जेल जरूर ट्राई करें। वो काफी प्योर आता है और अभी करंट सिचुएशन में मेरे पास वो वाला एलोवेरा जेल अवेलेबल नहीं है। दैट्स व्हाई मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज करके आपको बताऊंगी। और आप चाहें तो आप नेचुरल प्लांट का भी यूज कर सकते हैं। बट बिफोर वी गेट इनटू द वीडियो, प्लीज मेक श्योर करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दें ताकि आपको और ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यूज है एलोवेरा जेल का एज अ स्क्रब, क्योंकि जो मार्केट के स्क्रब होते हैं वो काफी ज्यादा हार्श होते हैं हमारी स्किन पर और एलोवेरा जेल में सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 3 ड्रॉप्स ऑफ एलोवेरा जेल लेना है और इसमें ऐड करना है 1/2 टीस्पून शुगर। आप ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं और इसको कुछ सेकंड के लिए आपको रेस्ट करने देना है ताकि जो शुगर के ग्रैन्यूल्स हैं वो थोड़े से छोटे हो जाए और हमको हमारी स्किन पर चुभे नहीं। और रेस्ट करवाने के बाद आपको स्क्रब करते हुए अपनी स्किन पर अप्लाई करना है। 2 मिनट तक स्क्रब करना है आपको। तो इसमें जो शुगर के ग्रैन्यूल्स रहेंगे वो आपकी स्किन से डेड स्किन को रिमूव करने में हेल्प करेंगे और एट द सेम टाइम एलोवेरा जेल आपको मॉइस्चर देने में हेल्प करेगा। एलोवेरा जेल का सेकेंड यूज है एज अ मेकअप प्राइमर। इट वर्क सो वेल टू होल्ड योर मेकअप। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली 2 ड्रॉप्स लेना है एलोवेरा जेल के और आपको अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है आपके मेकअप लगाने से पहले। ये थोड़ा स्टिकी होता है तो ये आपके मेकअप को होल्ड करने में काफ़ी हेल्प करेगा और ये आपके ओपन पोर्स को ब्लर कर देता है और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। अगर आप एक बिगनर हैं तो आपको मार्केट के एक्सपेंसिव मेकअप प्राइमर में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप एलोवेरा जेल को एज अ मेकअप प्राइमर यूज कर सकते हैं। बालों की बात करें तो बालों की प्रॉब्लम्स तो एंडलेस है। तो अब हम यूज करने वाले हैं एलोवेरा जेल को एज अ कंडीशनर। आपको क्या करना है, सिंपली 3 ड्रॉप्स लेना है एलोवेरा जेल के और इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून ग्लिसरिन और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और एज अ कंडीशनर अप्लाई करना है अपने बालों पर हर बार शैम्पू करने के बाद। इससे आपको अगर फ्रिजी हेयर्स की प्रॉब्लम है तो वो काफी हद तक रिड्यूस होगी और ये आपके बालों को स्मूथ करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट यूज है एलोवेरा जेल का एज अ शेविंग क्रीम और जेल। आपको क्या करना है, आपको एक थिक लेयर अप्लाई कर लेनी है आपको जहाँ पर शेव करना है उस एरिया पर। शेव करने से पहले, जैसे मान लीजिए आपको हैंड्स पर शेव करना है तो आपको पहले यहाँ पर एक थिक लेयर अप्लाई कर लेना है एलोवेरा जेल की और उसके बाद आपको शेव करना है। तो इससे आप शेविंग भी स्मूथली कर पाएंगे और जो शेव करने के बाद रेडनेस और रैशेज की प्रॉब्लम होती है वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। सो नेक्स्ट जो यूज होने वाला है एलोवेरा जेल का वो होने वाला है हमारे बालों की केयर के लिए। मैं यहाँ पर स्प्लिटेंस की बात कर रही हूँ। स्प्लिटेंस किसको परेशान नहीं करते, तो अब हमको इनको ट्रीट तो करना होगा। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली 2 ड्रॉप्स लेना है एलोवेरा जेल के और इसमें ऐड कर देना है 1 ड्रॉप ऑफ वाइटामिन ई ऑयल और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमारे स्प्लिटेंस पर, हमारे बालों के एंड्स पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। और अगर करंट सिचुएशन में आपके पास विटामिन ई ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं और आप सिर्फ एलोवेरा जेल को अपने स्प्लिटेंस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये अकेले ही काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके स्प्लिटेंस को रिड्यूस करने में। और अगर नेक्स्ट यूज जो है एलोवेरा जेल का वो होने वाला है एज अ फेशियल क्लेंजर और मेकअप रिमूवर। आपको 3 से 4 ड्रॉप्स लेना है एलोवेरा जेल के और इसमें ऐड कर देना है 2 ड्रॉप्स ऑफ कोकोनट ऑयल और दोनों को अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट तक अपने फेस पर सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। फिर आपको कॉटन पैड या कॉटन बॉल की हेल्प से मेकअप को रिमूव कर लेना है। काफी इजीली आपका मेकअप इससे रिमूव हो जाएगा। ये प्राइमर के साथ साथ मेकअप रिमूवर के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट जो यूज होगा एलोवेरा जेल का वो होने वाला है अंडरआर्म वाइटनिंग के लिए। अगर आपको डार्क अंडरआर्म्स की प्रॉब्लम है तो ये पेस्ट जो हम आएंगे ये आपके अंडरआर्म्स को लाइटन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आपको सिंपली 3 ड्रॉप्स लेना है एलोवेरा जेल के और आपको उसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून चावल का आटा, राइस फ्लावर और उसमें 1/2 नींबू निचोड़ लेना है और उन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर आपके अंडरआर्म्स में सर्कुलर मोशन में आपको अप्लाई करना है। 5 मिनट तक आपको मसाज करना है सर्कुलर मोशन में और फिर आपको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। एलोवेरा जेल हमारे अंडरआर्म्स को लाइटन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और जो चावल का आटा है, राइस फ्लावर, वो एज ए स्क्रब काम करेगा हमारे अंडरआर्म्स को क्लीन करने के लिए। तो इस पेस्ट
इसको आपको वीक में 3 से 4 बार अप्लाई करना है बेटर रिजल्ट के लिए। नेक्स्ट हम यूज करेंगे एलोवेरा जेल को एज अ फेस सीरम। 2 ड्रॉप्स लेना है एलोवेरा जेल के और इसमें आपको ऐड कर देना है 1 ड्रॉप विटामिन ई ऑयल का और दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है और अपने भी फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है डेली रात में सोने से पहले। इसको लगाने के काफी अच्छे फायदे हैं, आपकी स्किन को मॉइस्चर तो देगा ही और साथ ही साथ अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है या एक्ने स्पॉट्स हैं तो इसका डेली यूज उनको भी रिड्यूस करने में काफी हद तक हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो यूज होने वाला है एलोवेरा जेल का वो होने वाला है एज अ मॉइस्चराइजर। 2-3 ड्रॉप्स लेना है एलोवेरा जेल के और अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। जब भी आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं उसकी जगह पर आपको एलोवेरा जेल का यूज करना है। ये काफी अच्छा मॉइस्चराइजर होता है हमारी स्किन के लिए और ये बिल्कुल हार्म नहीं पहुंचाता हमारी स्किन को। सो लास्ट यूज है एलोवेरा जेल का एज अ फेस टोनर। आपको 3 ड्रॉप्स लेना है एलोवेरा जेल के और इसमें ऐड कर देना है 3 ड्रॉप्स ऑफ रोज वाटर। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं और आपको इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है और इस तरीके की स्प्रे बॉटल में आपको स्टोर कर लेना है। आप 2 वीक तक इसे स्टोर कर सकते हैं और आपको इस मिक्सचर को अपने फेस पर स्प्रे करना है डेली रात में सोने से पहले। ये एक फेस टोनर की तरह काफी अच्छे से काम करने वाला है आपकी स्किन के लिए। सो विद दिस आई फिनिश माई टूडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा जो कि था टॉप 10 यूजेस ऑफ एलोवेरा जेल। और अगर कोई ऐसा यूज है जो मैं बताना भूल गई हूँ तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और मुझे बताएं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में। सो अब मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर गाइज, बाय बाय।